एक बार द्वारिका में भगवान के तीन पार्षदों को अभिमान आ गया था, सत्यभामा को, गरुड़ जी को और सुदर्शन चक्र को, कि हमारे समान कोई नहीं है। सत्यभामा को था कि मेरे समान कोई सुंदर नहीं है, चक्र को था कि मैं ही द्वारिकापुरी की रक्षा करता हूं, और गरुड़ जी को अभिमान था कि मेरे समान गति, मेरे वेग की समानता कोई नहीं कर सकता। ये गरुड़ जी को अभिमान आ गया। भगवान ने सोचा कि इनका अभिमान दूर करना चाहिए। कृष्ण भगवान ने गरुड़ जी को कहा, जाओ अमुक जगह हनुमान जी हैं, उनको बुला के ले आओ, कहो श्री कृष्ण ने याद किया है। हनुमान जी तो चिरंजीवी हैं, तो श्री कृष्ण को पता नहीं होगा कि हनुमान जी कहां बैठे हैं। जाओ हनुमान जी को बुला कर लाओ। गरुड़ जी आए और कहा, हनुमान जी चलो आपको श्री कृष्ण भगवान ने याद किया है, चलिए जल्दी कीजिए। हनुमान जी ने कहा, अभी मेरा जप का टाइम है, मैं आता हूं। हनुमान जी भी समझ गए कि श्री कृष्ण ने क्यों भेजा है। चैतसिक एकता होती है, जिसका प्रेम प्रगाढ़ होता है ना, वो उनके अपने स्वामी के दिल की बात भी समझ सकता है। हनुमान जी ने कहा, ठीक है मैं आता हूं, आदेश हुआ तो जरूर आऊंगा। तो गरुड़ जी ने कहा, नहीं अभी चलो। हनुमान जी ने कहा, मैं आता हूं आप चाहो। बोले, नहीं जल्दी नहीं मानोगे, पकड़ के ले जाऊंगा। हनुमान जी ने कहा, तू मुझे पकड़ के ले जाएगा? बोले, हाँ। चलते हो कि नहीं चलते हो? हनुमान जी ने गरुड़ जी के पंख पकड़े, उठाया और दूर उछाल दिया कि तुम जाओ मैं आ रहा हूं। और हनुमान जी तो एक छलांग में द्वारिका पहुंच गए। उनके लिए क्या पूरा समुद्र पार कर गए, वो तो सीधे द्वारिका पहुंच गए। तो द्वारिका में भगवान अंदर जाने लगे तो चक्र ने रास्ता रोका, क्योंकि चक्र को भगवान कृष्ण ने कह दिया था, किसी को अंदर आने मत देना, खबरदार, ध्यान रखना, चौकी पे तैनात रहो, कोई अंदर आए बिल्कुल नहीं आने देना। अब चक्र को आदेश था, गरुड़ जी को कहा हनुमान जी को ले आओ, चक्र को कहा किसी को आने मत देना। चक्र ने कहा, मैं नहीं जाने दूंगा, स्वामी का आदेश है। तो हनुमान जी ने क्या किया, चक्र को पकड़ के अपने मुंह में रख लिया। जय बजरंग बली। और जाने लगे श्री कृष्ण के पास। यहां कृष्ण भगवान ने सत्यभामा को कहा कि हनुमान जी मुझसे मिलने आ रहे हैं, और मुझे उनको कृष्ण रूप में नहीं, उनको राम रूप में दर्शन देने हैं, क्योंकि वो तो मेरे राम रूप की उपासना करते हैं। तो अभी तो मैं राम ही कृष्ण बन के आया हूं, तो मैं तो राम का रूप बना लूंगा, पर सीता के रूप में कौन बैठेगा? सत्यभामा ने कहा, मैं बैठ जाती हूं, मैं सीता का रूप बना लेती हूं। तो सत्यभामा ने सीता जी का रूप धारण किया, कृष्ण भगवान ने राम रूप धारण किया। हनुमान जी आए तो मुंह में तो सुदर्शन चक्र था। कृष्ण भगवान ने कहा कि क्यों हनुमान जी, क्या बात है, आज चुप क्यों हो, मौन रखा है क्या? हनुमान जी ने इशारा किया, मौन नहीं है, पर मुंह में चक्र था, चक्र को पकड़ के मुंह में रख लिया था, क्यों हनुमान जी मौन है क्या? इशारा किया कि नहीं है। तो बोलते क्यों नहीं हो, कुछ बोलो। तो हनुमान जी ने चक्र को मुंह से निकाला, कहा कि ये मेरे को रोक रहा था, अंदर नहीं आने दे रहा था, उठाकर इसको मुंह में रख दिया कि मेरे को कैसे रोकेगा तू। पर प्रभु एक बात समझ में नहीं आई, क्या? कि आप तो राम रूप में कितने अच्छे लग रहे हो, पर आपने अपने पास में ये किस दासी को बिठा रखा है? सत्यभामा का अभिमान भी दूर हो गया कि मेरे से सुंदर और कोई नहीं है।
सत्यभामा अपने मूल रूप में आकर भगवान कृष्ण से माफी मांगती है कि मेरे को अहम आ गया था, मुझे क्षमा करना। कृष्ण भगवान ने कहा हनुमान जी को कि मैंने आपको लेने के लिए एक और भी किसी को भेजा था। हनुमान जी ने कहा वो आ रहे होंगे पीछे, बहुत धीमी गति से चलते हैं, मैंने उनको मेरे से पहले रवाना किया था, अभी तक नहीं आए। कितना दूर तक तो मैंने ही उछाल दिया था और अभी तक नहीं आए, मैं तो उनके बाद निकला हूं। इतने में गरुड़ जी भी आ गए। गरुड़ जी को भी हुआ कि हनुमान जी के आगे हम बालक हैं, हनुमान जी की गति के आगे हम कुछ भी नहीं हैं। सत्यभामा को भी हुआ और चक्र को भी हुआ, सब ने श्री कृष्ण से माफी मांगी। भगवान ने कहा कि भक्त के जीवन में अहम वो उसकी साधना में कमी ला देता है और अहम सब दोषों को ले आता है, इसलिए अहम न हो, निरहम, अभिमानिता नहीं निरभिमानिता। जैसे बच्चे को लोग बेटे को कहीं छात्रावास में रख दें कि मेरा बेटा, जैसे कई माँ बाप अपने बच्चों को गुरुकुल में रखते हैं ना कि आश्रम के गुरुकुल में हमारा बेटा रहेगा, अच्छा है, प्रार्थना जप तप भी सीखेगा, पढ़ाई भी करेगा। तो बच्चे को छात्रावास में रख दिया, अपने आप वो नियम करने लगता है। उसी प्रकार अपने मन रूपी बच्चे को गुरु के चरणों में लगा दें, उनको प्रार्थना करें कि मेरे मन की वृत्तियां बहुत है प्रभु, पर कई वृत्तियां गड़बड़ वाली भी आ जाती है, आपके चरणों में मेरा मन में सौंप रहा हूँ, अब आप इसको ठीक करो। तो बहुत लाभ होता है भक्तों को। चींटी होती है ना, छोटी सी चींटी, उसका निश्चय होता है मीठा ही चाटना, चींटी नमक नहीं चाटेगी। और मोर का निश्चय होता है कि बादलों को देखकर ही नाचना, मोर के आगे आप आइसक्रीम रख दो कि ले बढ़िया आइसक्रीम है खा और नाच, तो मोर नहीं नाचेगा, बादलों को देखकर ही नाचेगा। चींटी का निश्चय है मीठा चाटना, मोर का निश्चय बादल देखकर नाचना, पर इंसान का निश्चय बदल जाता है, कभी किसी को देखकर, कभी कोई वस्तु देखकर, कभी कोई व्यक्ति देखकर इंसान का मन बदलता रहता है। तो प्रार्थना करनी है कि मेरा मन आपके चरणों में लगे। मन नहीं लगता उसका कारण राग है, तो भी गुरुदेव को प्रार्थना करें जप करते हुए, या कभी के मेरे मन में जो राग है वो निकल जाए, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। सूर्य को अर्घ दो तो रोज सूर्य भगवान को अर्घ देकर प्रार्थना करो, आप बृहस्पति जी के अनन्य भक्त हैं, मैं मेरे गुरुदेव का अनन्य भक्त बनूं ताकि मेरा जन्म और जीवन सफल हो जाए, तो उससे लाभ होगा। और शिष्य ये भी सोचे कि मेरे गुरुदेव नर रूप में दिखते हैं पर वो नर रूप में साक्षात नारायण हैं, जब मेरे गुरुदेव संयम की बात बताते हैं तो मानो ये सनकादि ऋषि हैं साक्षात। ईश्वर का पहला अवतार सनकादि ऋषियों का अवतार हुआ था, और जब गुरुदेव संतोषी जीवन जीने की बात बताएं समझो ये भगवान का वराह अवतार बोल रहा है। जब गुरुदेव भक्ति बढ़ाने की बात बोले तो समझो ये भगवान विष्णु का नारद अवतार है, ऐसी भावना मन में लाए। और जब गुरुदेव तपोमय जीवन बिताने की बात कहें कि एकांत में रहो, जप तप करो खूब, तो समझो ये ईश्वर का नर नारायण अवतार बोल रहा है। और जब गुरुदेव आत्मज्ञान की बात बताएं तो समझो भगवान विष्णु का कपिल अवतार बोल रहा है। जब गुरुदेव वीतरागी जीवन की बात बताएं कि अपने जीवन में राग आसक्ति मत रखो, तो समझो ये भगवान का दत्तात्रेय अवतार है। ऐसी भावना गुरु में जिस शिष्य की होती है, जब गुरुदेव शास्त्र धर्म की बात बताकर दुर्बलता दूर करने की बात बताएं और वीरता बढ़ाने की बात कहें, तो समझो ये भगवान का क्षत्र धर्म की प्रेरणा देने वाला यज्ञ नारायण, ऋषभ देव और प्रथु राजा का अवतार है। भागवत के 24 अवतार शिष्य अपने गुरु में देखकर अपने गुरु में भक्ति और पुष्ट कर सकता है, और वो भक्ति सब सुख देने वाली होगी।
भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावही प्राणी, बिनु सत्संग न पावही प्राणी।